नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको स्टॉक मार्केट रिलेटिव टॉप ब्रेकिंग न्यूज बताने वाला हूं, जो कि आपको स्टॉक मार्केट की जर्नी में शानदार प्रॉफिट दिला सकती है। और अगर आपने न्यूज को इग्नोर कर दिया तो स्टॉक मार्केट की जर्नी में आपको लॉस भी उठाना पड़ सकता है, क्योंकि एक पॉजिटिव न्यूज प्रत्येक शेयर में तेजी ला सकती है और एक नेगेटिव न्यूज प्रत्येक शेयर में गिरावट भी ला सकती है। इसलिए स्टॉक मार्केट में न्यूज रिलेटिव अपडेट रहना बहुत जरूरी है, तभी हम स्टॉक मार्केट में सक्सेस हो पाएंगे। और जो लोग सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट से पैसे कमाना बहुत आसान है, तो उनको मैं बता दूं कि स्टॉक मार्केट से पैसे कमाना इतना भी आसान नहीं है लाला, वरना बन नहीं जाता हर कोई झुनझुन वाला। इसलिए स्टॉक मार्केट में न्यूज रिलेटिव हमेशा अपडेट रहें। इसलिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसको स्किप करके मत देखना और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ओके दोस्तों, हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं वीरेन जैन SMS चैनल में आपका दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारी फर्स्ट न्यूज HDFC बैंक के रिलेटिव है। हाँ दोस्तों, RBI ने HDFC बैंक पर लगे सारे रेस्ट्रिक्शन हटा दिए हैं। बीच में RBI ने इस बैंक के क्रेडिट कार्ड इश्यू करने पर भी बैन लगाया था, और वो बैन भी अब हटा दिया गया है। अब बैंक नए क्रेडिट कार्ड इशू कर सकती है। यह कंपनी के शेयर होल्डर के लिए एक पॉजिटिव खबर है। दोस्तों, यदि फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करके ऑल पे सेलेक्ट कर देना, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ओके, हमारी नेक्स्ट न्यूज ATM के रिलेटिव है। हाँ दोस्तों, RBI ने ATM पेमेंट बैंक पर पेनल्टी लगाई है। RBI का कहना है कि पेटीएम पेमेंट बैंक ने चाइना की एक फर्म के साथ डेटा शेयरिंग की है, इसलिए RBI ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर IT ऑडिट गाइडलाइंस जारी की है। यह पेटीएम के शेयर होल्डर के लिए नेगेटिव न्यूज है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करना। हमारी नेक्स्ट न्यूज रिलायंस इंडस्ट्री के रिलेटिव है। हाँ दोस्तों, रिलायंस ने फ्यूचर ग्रुप के बिग बाजार के करीब 500 स्टोर टेक ओवर कर लिए हैं। रिलायंस की सब्सिडियरी कंपनी, जो रिलायंस न्यू एनर्जी लिमिटेड के नाम से है, उसने लिथियम बैटरी बनाने वाली एक कंपनी को उसके एसेट सहित $61 बिलियन में एक्वायर कर लिया है। यह रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर होल्डर के लिए एक पॉजिटिव न्यूज है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक मेरा मोटिवेशन बढ़ा देता है। हमारी नेक्स्ट न्यूज HUL और नेस्ले के रिलेटिव है, क्योंकि HUL और नेस्ले ने मार्च में एक बार फिर से अपने कुछ प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ा दिए गए हैं। ये HUL और नेस्ले के शेयर होल्डर के लिए एक पॉजिटिव न्यूज है। हमारी नेक्स्ट न्यूज IRFC के रिलेटिव है। हाँ दोस्तों, IRFC ने जापानीज PM से $1.10 बिलियन फंड रेज किया है, जो कि IRFC के शेयर होल्डर के लिए एक पॉजिटिव न्यूज है। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट कर देना, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ओके दोस्तों, गुड बाय।